मेडिटेशन में एकदम मज़ा सा आ जाता है ना, एकदम वही स्टेट पे आ जाओ, सारी टेंशनें खत्म। मेडिटेशन एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपको, हम कहते हैं ना, जो लिखा है वही होगा। जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो वो एक अकेली ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे जो लिखा है वो नहीं हो रहा फिर। नहीं तो आप अपनी लाइफ को देखोगे तो आप सुबह से शाम तक वही थॉट्स आपके चलते हैं, वही काम आप करते हो, रिपीट 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 रिपीट, जैसे एक रोबोट हो ना, कि सुबह एक काम पे लगे शाम तक वही काम करते हो। आप अगर आप आइडेंटिफाई करोगे अपने एक्शन सुबह से शाम तक, तो आपको पता लगेगा उन्हीं 4 लोगों की हम बात करते हैं, वही 4 लोग हमें टेंशन देते हैं, वही 4 हम रोज काम करते हैं, गलत जो काम करते हैं उस पर वैसे ही हम रोज गिल्ट लेके आते हैं, रोज उसी गिल्ट के ऊपर फिर अपने आप को कंपनसेट करना चाहते हैं। हमारा माइंड जो है वो एक रिपीटेशन चल रहा है एकदम मशीन की तरह, सुबह से रात तक सारे दिन भर आप वही काम कर रहे हो। अगर आप 1 महीने का चार्ट बनाओगे अपना, तो आपको पता लगेगा कि मैं कितने काम रिपीट मोड पे चल रहे हैं मेरे। जिस दोस्त से प्रॉब्लम है उससे पूरे महीने प्रॉब्लम है, जिस रिलेटिव से प्रॉब्लम है उससे पूरे महीने प्रॉब्लम है। वो माइंड को सारे दिन वो जो एंगेजमेंट है वो सेंटर की तरफ आने ही नहीं देता, वो उसी टास्क में आपको पूरा पकड़ के रखेगा। आप जब अपने सेंटर की तरफ वापस आते हो, यानी जब मेडिटेशन में आते हो, तो वो जो आपका विशेष सर्कल है जिसमें आप फंसे हुए हो, उससे कुछ क्षण के लिए आप बाहर निकल सकते हो। और जो जब आप बाहर निकलते हो, दैट इज़ योर ओरिजिनल लाइफ जिसके लिए आप पैदा हुए हो। उसके अलावा जितना भी हम बाहर एक्शंस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना, उसको अगर आपको तोड़ना है, किसी भी हैबिट को तोड़ना है, कुछ भी आपको लाइफ में ढंका करना है, तो आपको सेंटर में आना पड़ेगा। उस सेंटर में छिपी आपकी पूरी एनर्जी, जो हम थक जाते हैं ना छोटे छोटे काम करके या कुछ भी करके, वो इसीलिए हम थक जाते हैं क्योंकि हम कभी सेंटर में आते ही नहीं। सेंटर है सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी आपका जो डे टू डे लाइफ है, जो बाहर की तरफ आपकी जो यात्रा है, उसमें जो एनर्जी चाहिए वो आपको सेंटर से मिलेगी, करीब करीब आपकी नाभि से मिलेगी। नाभि में बसा आपका पूरा जीवन, और वहाँ पे एनर्जी आपको क्रिएट करने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। तब आप में इतनी एनर्जी आनी स्टार्ट होगी जो कि यूनिवर्सल एनर्जी होगी, एग्जिस्टेंस की जो एनर्जी होगी वो आपको वहाँ से मिलेगी। जब आप रात को सोते हो तो कुछ समय के लिए आपके थॉट्स रुक जाते हैं, जैसे ही वो थोड़े समय के लिए आपके थॉट्स रुकते हैं, उस टाइम पे आपको एक एनर्जी क्रिएट होती है, वो एनर्जी आप पूरे 24 घंटे फिर आप यूज़ करते हो उसको, और उसी से अपनी लाइफ चलती है। वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है भगवान का बनाया हुआ। हमें क्या करना है, हमें उस एनर्जी को, और उसको कैसे हम पा सकते हैं, उसके लिए मेडिटेशन होता है।